स्टार्ट कर देंगे ना इस बार तो बराबर 10:30 पे स्टार्ट करूँगा ना। मैं देखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ देखूंगा टीम नंबर 1, 2, 3 में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि तो मैं पहले मैसेज ड्रॉप किया है यार, 5 मिनट पहले आ जाओ। हाँ तू स्पेक्टेटर में बैठा है ना। हाँ 10:30 पे हो गए, तेरा भाई स्टार्ट कर रहा है इन 5, 4, 3, 2, 1 गो। Let's go. Okay, sir. तो अपना सेकंड रूम स्टार्ट हो चुका है। टूर्नामेंट का सेकंड मैच मीरामार का, लेट्स सी। पहले में सिंगे वालों ने बहुत ही बढ़िया चिकन डिनर लिया था, तो लेट्स सी कौन सा स्क्वाड आया है कौन सा नहीं आया है। 60 प्लेयर्स ज्वाइन किए हैं। ओके, कौम का स्क्वाड का एक नहीं आया है यहाँ पे। इनका नाम क्या है, एमयू के स्क्वाड का नाम क्या था यार, इनका स्क्वाड का नाम कुछ अलग ही था। नाम सब ने एमयू रखा है लेकिन टीम का नाम कुछ अलग ही रखा है इन्होंने। व्हाट इज टीम का नाम, लेट मी चेक नाउ। स्लॉट 6 क्या है यार इनका नाम, टीम जील। ओके, फॉर्म का स्क्वाड का नहीं है, जील का नहीं आया यहाँ पे। आरडीबी का एक बंदा नहीं आया है यहाँ पे, पीली के स्क्वाड का नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट सारे आ चुके। 4, 18, 16, 18, 19, 20, 22 कंप्लीट 22 स्क्वाड आ चुके हैं। 84 चार बंदे नहीं आए हैं। कंकाय मांस का आ चुका है, प्लेन पास जा रहा है हमारे यहाँ पे। एक यार वाले ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, एल अजहर टू एल पोजो, एच सी सैन मार्टिन के ऊपर से जा रहा है प्लेन पाथ हुसंदा से। लेट्स सी कौन गोल्डन मुराडो लेता है। एक यार वाले ड्रॉप नहीं किए, ये लोग हमेशा जहाँ तक मुझे याद है लोग जाते थे यहाँ पे। इन अल अजहर में एक भी स्क्वाड नहीं उतरा है यहाँ पे। मन्नू ऑक्साइड का, बल्ले बल्ले का स्क्वाड यहाँ पे, बीजीआर का स्क्वाड और एलिस का स्क्वाड जा रहे हैं टूवर्ड्स कैंपो मिलिटार, काफ़ी दूर जाना चाहते। एटीआर का स्क्वाड, क्रूज दिल वाले क्या ही नाम है, वहाँ जा रहे एटीआर रेसर और एविल का स्क्वाड। खतरा का स्क्वाड इम्पाला साइड जाते हुए नहीं, यस पाला साइड ही कहीं जा रहे हैं। जोजिला और होम का स्क्वाड मीनास की तरफ जाते हुए यहाँ पे। सैन मार्टिन में टीएनटी का स्क्वाड अकेले जाते हुए, खतरा वाले स्प्लिट होके खेल रहे हैं। ओके, यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ, पेकाडो की तरफ 3 स्क्वाड जाते हुए यहाँ पे, सिंगे का, पैराडॉक्स का और ये है स्पार्टन क्वॉक्स, पता नहीं कौन सा टीम है स्पार्टन क्वॉक्स का, आई गेस रेडिकल टेरर समथिंग लाइक दैट। कंकाई और एली जे आर का फाइट हो सकता है, इन लादरीला यस इनविंसिबल अख्तरवाल का फाइट हो सकता है यहाँ पे। पिकार्ड में अर्ली फाइट हमें देखने को मिल सकता है। ब्लेड वाले जा चुके हैं यहाँ पे पीली स्क्वाड के साथ, ट्रेलर पार्क की तरफ इम्यूनाइट का स्क्वाड के साथ, आरडीबी का स्क्वाड, इन लाको ब्रीरा, तो अर्ली फाइट लेट्स सी। इन पिकार्ड हमें देखने को मिल सकता है। कंकाई मांस का नाम अभी भी ग्लिच होके हमारे यहीं पर दिख रहा है। यहाँ पे सिंगे वर्सेस हो सकता है, अर्ली फाइट सिंगे वाले पिकॉर्डर से निकल जाएंगे शायद, अर्ली फाइट नहीं लेना चाहते ऑब्वियसली, टॉप स्पॉट कौन ही छोड़ना चाहता है अर्ली। यहाँ पे ह्यूमनॉइड वालों का फाइट हो चुका है आरडीबी के साथ, लोलो ने नॉक किया यहाँ पे, ब्लेड लिया उसको, तो लेट्स सी क्या ही होता है। 1993 नेट कर रहे हैं यहाँ पे, लोलो रश कर रहे हैं यहाँ पे 1993 की तरफ, शायद देख चुके हैं यहाँ पे। आरडीबी एलन रिवाइज दे देंगे, ब्लेड लिया उसको ह्यूमनॉइड के, आरिफ टिटो लोलो आरिफ का वेट करते हुए, मिम 16A4 के साथ, लोलो डजंट हैव अ हेलमेट वेस्ट आगे है आरडीबी से 1993, वहाँ पे कहीं और भी फाइट हो चुका है आरडीबी 1993 के पास M416, तो ये काफ़ी रोमांचक हो सकता है। एम्स ने जीएनआर स्पार्टन को कर दिया नॉक विद शॉटगन, बीजीआर वर्सेस होते हुए आरडीबी से 1993 देख लेंगे। लोलो 16A4 वर्सेस M416 और यहाँ पे नॉक कर चुके हैं लोलो पिस्टल से,
मुक्के से फिनिश करना चाह रहे थे यहाँ पे। अब बचते ब्लेड हाउस अकेले विदाउट डीबी एलन। डीबी एलन के पास है वेस्ट AKM। लेट्स सी कैन वी सी अ क्लच। कहीं और भी फाइट हो रहा था इम्स वालों का इन कहाँ पे हो रहा था, ये फाइट हो रहा है यहाँ पे BGR वर्सेस यहाँ पे बल्ले बल्ले का स्क्वाड। मनु ऑक्साइड भी नॉक हो गए यहाँ पे, तो इसी के साथ मनु ऑक्साइड के 90 अब अकेले बचते हुए गुरु भास्कर को देख लिया यहाँ पे। वहाँ जंगली साठ सी एन ने नॉक किया है, तो इसी के साथ बल्ले बल्ले का स्क्वाड फिनिश। फाइट हो रहा है यहाँ पे, ह्यूमनाइट को नॉक किया है यहाँ पे। ह्यूमनाइट के दो बंदे नॉक है, लोलो एंड मान। ब्लेड लियोस के बिल्कुल सामने है यहाँ पे डिटो। ब्लेड लियोस नॉक और फिनिश। इसी के साथ RDB का स्क्वाड भी फिनिश ऑन 21st पोजीशन। ETR वालों का फाइट हो रहा है विद एविल का स्क्वाड। ब्लेड वालों का हो चुका है फाइट वहाँ पे। सिद्दीकी नॉक यहाँ पे, ETR वाले रश करना चाहेंगे। यस ETR वाहिद रुक चुके हैं काफी पीछे ही। दिस फाइट ब्लेड वालों का फाइट हो चुका है विद जील। जील के बचते हैं कौन, MU कैप्टन। पहले मैच में नहीं आ पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए थे ये लोग। MU सईद और MU कैप्टन अकेले बचते हुए आगे है इनके। ब्लेड माइदीन, ब्लेड आदिल को फिनिश कर बैठे यहाँ पे जील का स्क्वाड। ब्लेड वाले अर्ली कैजुअलिटी खाते हुए, एमयू वाले जील वाले भी अर्ली कैजुअलिटी खाते हुए। तो दिस फाइट एवल वाले हो चुके हैं ETR नॉक्स। ETR वाले पिछले मैच में टू मैन स्क्वाड गेम खेल रहे थे। ETR का फन फिनिश हो चुके हैं यहाँ पे ETR वालों का। ये बहुत बड़ा घाटा हो सकता है ETR वालों, क्योंकि अच्छे असॉल्टर है ETR वालों के कफन। तो यहाँ पर रश कर चुके हैं यहाँ पे नॉक्स, और यहाँ पे नॉक्स वाहिद रश करते हुए वाहिद के बिल्कुल एविल साहब को मौली से नॉक कर दिया है। एविल शब्बीर यहाँ पे एविल शब्बीर को भी नॉक कर दिया है। बचते यहाँ पे एविल के विल्ला उजी के साथ। तो एविल फयाज ETR फयाज ने इसी के साथ एविल का स्क्वाड फिनिश कर दिया। इसी के साथ 20th पोजीशन पे यहाँ पे एविल का स्क्वाड भी फिनिश यहाँ पे। लेट्स गो, अब हो सकता है यहाँ पे पैराडॉक्स वर्सेस टीम नंबर 9 कौन है। ओके ये है हमारे रेडिकल टेरर का स्क्वाड। और यहाँ देखा जाए तो कंकाई वालों के बिल्कुल सामने है यहाँ पे खतरा का स्क्वाड। आराम से लूट रहे चुमा सेरा साइड खतरा को फू एंड ऑल। 4mm का स्क्वाड मीनास साइड गए हैं यहाँ पे। आराम से लूट लपट के आ जाएंगे, रोटेशन मारना पड़ेगा यहाँ पे। सिंगे सासपोल के बिल्कुल सामने है कॉम का रक्षा करना पड़ेगा कॉम का इसको। सिंगे सस्पोल अभी भी शॉटगन उठाए हुए विद M416। ओ भाई अपग्रेडेड M416, अलग ही खौफ होता है इस M416 का। तो पीली का स्क्वाड यहाँ पे ट्रेलर पार्क की तरफ से अकेले है ये लोग। आराम से लूट लपट जा सकते हैं यहाँ पे। रेसर वालों को आहिस्ते आहिस्ते जोन में आना पड़ेगा, ETR वालों को भी जोन में निकलना पड़ेगा। तो TNT का स्क्वाड यहाँ पे इन सैन मार्टिन आराम से लपेट रहे हैं, लूट लपेट रहे हैं। सिंगे सासपोल काफ़ी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पे फॉर्म के रक्षक के। यस फाइट हो सकता है यहाँ पे। सिंगे वाले काफ़ी स्प्लिट आउट हो लूट लपाट रहे हैं यहाँ पे, शायद पता नहीं इनको यहाँ पे बंदे है। फाइट यहाँ हो सकता है इनविंसिबल अख्तर, और यहाँ पे फाइट हो चुका है रॉजर फॉक्स स्कारल का शॉट देते हुए फिनिक्स के सैन की तरफ।
थिंक फिनिक्स सैन इनके मेन आइडियल है पैराडॉक्स स्क्वाड का। तो पैराडॉक्स वर्सेस होते हुए रेडिकल टेरर, लेट्स सी का होता है कौन किसको पहलता है। या निकलते हैं, जोन में है ऑलरेडी, तो निकलना तो फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। यहाँ पे पंग कॉम का रक्षक के बिल्कुल बगल से निकला है सिंगे का स्क्वाड। कॉम का रक्षक के पास एम 416 देख चुके हैं, सिंगल ऑप्शन को सिंगल ऑप्शन को नॉक कर दिया यहाँ पे, लेकिन सिंगे सर पर कवर फायर देते हुए पंग किड ने यहाँ पे सिंगल नहीं, बढ़िया ड्रॉप शॉट देके सिंगे सस्पल ने दो को नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया कॉम के दो बंदे को। अब कॉम के बचते हैं एलओसी गाजी अकेले, एलओसी गाजी वापस आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंगे के नोजुब नॉक हुए पड़े हैं और रिवाइव हो जाएंगे आराम से। तो कॉम उनको आई थिंक एलओसी गाजी को जोन में निकल लेना चाहिए, फ़ायदा नहीं है यहाँ पे फाइट लेके, 1v3 सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पे कंकाई वर्सेस 4mm हो सकता है इन मिनास, यस कंकाई मांस के बिल्कुल बगल में यहाँ पे 4mm के लाइकन, यस फुटप्रिंट्स आ चुके हैं 4mm लाइकन का, वेट कर रहे हैं यहाँ पे ओपन में आने का और फिर शायद धागा खोलने की कोशिश करेंगे। कंकाई मांस भी स्पॉट कर चुके हैं, नेड हाथ में उठा के बैठे हैं, लेट्स सी क्या ये नेड लगेगा इनको कि नहीं, या जोन में निकलेंगे। कंकाई सलीम और आरिफ ऊपर की तरफ रोटेशन मारते हुए कि निकल रहे, शायद ये लोग जोन में निकल रहे हैं, निकलना ही बेहतर रहेगा या जोन के एज पे बैठ के वेट करना चाहेंगे। बिल्ला ओपी फॉल बैक करते हुए शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्ला ओपी पे कंकाई अमजी शॉट्स ले रहे थे। अभी तक देखा जाए तो तीन ही स्क्वाड फिनिश हो गए, इविल का स्क्वाड हो चुका है फिनिश यहाँ पे, बल्ले बल्ले का स्क्वाड फिनिश हो चुका है और हो चुका है आरडीबी का स्क्वाड अर्ली, ये तीन स्क्वाड एग्जिट कर चुके हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी 16 मैच है यार, और कहीं फाइट देखने को नहीं मिलेगा। शायद यहाँ पे एलिस वालों का फाइट हो सकता है, नहीं काफ़ी दूर है यहाँ पे। वेयर इज ETR? ETR वाले यहीं कहीं थे यार, अल बाल खेल रहे थे यहाँ कहीं, कांट सी ETR। ETR वाले फिलहाल आउट ऑफ जोन बैठ के यहाँ पे, MU वाले अभी भी फाइट ले रहे हैं विद ब्लेड। तो यहाँ पे शायद ये लोग तो शायद जोन में ही है, नहीं जोन के एज में ही है, अभी इतना फाइट नहीं लेगा। फाइट यहाँ पे हो सकता है 4mm वर्सेस कंकाई, एक स्क्वाड तो ख़त्म हो ही जाएगा, या शायद सब फॉल बैक कर दे। कंकाई हम जी निकल चुके हैं बाइक लेके शायद जोन में, 4mm के बाकी बंदे कहाँ हैं यहाँ पे। 4mm के शगुन M416 लेके काफ़ी पीछे आ चुके हैं, बिल्ला ओपी और मुर्तजा और लाइकन काफ़ी क्लोज है यहाँ पे 4mm कंकाई वालों के करीब में। कंकाई वाले आहिस्ते आहिस्ते सारे गाड़ियाँ लेके शायद जोन के लिए निकले, बहुत बढ़िया सोचा है। अभी से फाइट लेके फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे बिल्ला ओपी देख चुके हैं इनको निकलते हुए। तो अब ये लोग भी आहिस्ते आहिस्ते शायद जोन प्रेफर करेंगे एवरीवन। HC का होता है, रॉजर फॉक्स यहाँ पे फ्लैंग मार के आ चुके हैं, इन पे कार्डो अभी भी फाइट हो रहा है, पैराडॉक्स वर्सेस रेडिकल टेरर। एनजी पैराडॉक्स को देख लेंगे शायद, नहीं फिनिक्स सैन ने देख लिया है फॉर रॉजर्स फॉक्स को और फिनिश कर देंगे। यहाँ पे स्पार्टन क्वॉक्स बिल्कुल नीचे पहुँच गए हैं, इनविंसिबल अख्तर इनके सामने, इनविंसिबल अख्तर देख लेंगे शायद क्या कर रहे हैं भाई। स्पार्टन क्वॉक्स देख लिया है इनविंसिबल अख्तर को, लेकिन UMP का एक भी शॉट नहीं लगा यहाँ पे। Win 94 चलाया जा रहा है यहाँ पे स्पार्ट कॉमकस नहीं रेडिकल टेरर के, स्पार्टन को लियो और पंक लीड्स काफ़ी दूर है इनसे, अगर नॉक हो गए तो बचना मुश्किल ही रहेगा। वहाँ पे फिनिक्स सैन वाले वहाँ से फ्लैंग मार रहे हैं, इनविंसिबल अख्तर के बिल्कुल सामने स्पार्टन को अक्स, बढ़िया नेट लेकिन थोड़ा चूक गए, अगर थोड़ा पीछे आते तो हिट करके नॉक हो सकता था। यहाँ पे पैराडॉक्स वाले वापस आ चुके हैं, NM पैराडॉक्स एंड फिनिक्स सैन, लेट्स सी स्पार्टन कॉक्स के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं यहाँ पे पैराडॉक्स का स्क्वाड। यहाँ पे पंग लीड्स और स्पार्टन लियो को आ जाना चाहिए यहाँ पे इनके पास।
तो गुरु भास्कर ने टीम एक्स मुजू को नॉक कर दिया, वहां पे फिनिक्स सैन यहाँ पर रश कर चुके हैं शायद। ऐसा रॉन का फाइट हो चुका है। यस फाइट हो चुका है, आउट ऑफ जोन यहाँ पे है BGR वर्सेस रेसर। रेसर जू को नॉक कर दिया वहां पे एलिस वालों ने पीछे से शायद, नहीं जंगली SRTN ने नॉक किया है यहाँ पे। जंगली SRTN रिवाइव दे देंगे अपने बंदे MRX मामबा को। रेसर वालों के जी अभी भी बचे हैं, जी और जा बचे हैं, जू और मुजू फिनिश हो चुके हैं यहाँ पे। रेसर जा काफी क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे, एक नेड और फिनिश हो सकते हैं यहाँ पे। पूरा स्क्वाड यहाँ पे जंगले से टर्न लेफ्ट से फ्लैंग मार के चले जाएंगे, आउट ऑफ जोन फाइट ले रहे हैं सब। सर जी आ रहे हैं कवर देने के लिए यहाँ पे। एलिस वाले भी पीछे इनके बिल्कुल ही ऊपर है, एलिस वालों को पता है यहाँ पे फाइट चल रहे है आउट ऑफ जोन। जो भी बंदे आएंगे डैमेज लेके आएंगे तो किल्स लेना आसान रहेगा। तो गुरु भास्कर लोगों को देख लेंगे यहाँ पे एलिस रगनर, लेकिन सब एक ही जगह पे है। एलिस रगनर किस पे मार रहा है? एलिस रगनर तीनों ही एक ही जगह पे, तो यहाँ पे निकल जाएंगे आते से जोन में। फिनिक्स वॉल फिनिक्स ने स्पार्टन लियो को नॉक कर दिया वहां पे। इन पे कार्डो, लेट्स गो टू दैट फाइट। कार्डो की तरफ, कार्डो में हो चुका है फाइट। पंगलिट्स अकेले बचते हुए अब निकल जाएंगे शायद यहाँ से पंगलिट्स पोजीशन पॉइंट्स के लिए। जी बिल्कुल, विनाइट आर एफ के बिल्कुल सामने यहाँ पे ब्लेड वन को फाइट हो सकता है विद ATR। ब्लेड जिनके बिल्कुल करीब है यहाँ पे ATR के नॉक्स, आवाज आ चुका होगा यहाँ पे ATR के नॉक्स को। तो एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड जोन, जोन के एजिस पे बैठे हैं। सेंटर ऑफ द जोन में एलिजे आ रहे हैं, ह्यूमनॉइड वाले पावर ग्रिड की तरफ आ चुका है यहाँ पे। ऐसे तीन जे स्टार शायद देख लेंगे ह्यूमनॉइड वालों के स्क्वाड को। ह्यूमनॉइड आरिफ लोलो मान एंड डिट्टो आ चुके हैं इस बार, महबूब नहीं आया इस बार इनके। तो एवरीवन इज गोइंग टूवर्ड जोन यहाँ पे। फो बिल्ला ओपी 4 mm वालों के बिल्कुल सामने यहाँ पे खतरा का स्क्वाड। यश वेयर इज खतरा का स्क्वाड? करीबन करीबन पास में था कहीं। ओके हनी स्क्वाड अभी भी जिंदा है, अभी तो कोई फाइट नहीं हो रहा है। फाइट होगा बिल्कुल इसके बाद वाले जोन से हो जाएगा फाइट होना स्टार्ट। सारे स्क्वाड करीब करीब आते अब लूट लपाट के। पीली स्क्वाड के बिल्कुल सामने है ब्लेड का स्क्वाड और पीछे सारे ATR का स्क्वाड। यहाँ पहली जोन को हो सकता है फाइट विद BGR। BGR वाला आराम से जोन में आ चुके हैं अभी फिलहाल के लिए, तो कहीं फाइट देखने को नहीं मिल रहा फिलहाल, बोरिंग चल रहा है जोन। लेकिन जो इसके बाद होगा वो अलग ही लेवल होगा, जहाँ तक मनने लग रहे हैं। कंकाय वाले माउंटेन्यू LEGR वाले SR वाले एल्पोजो में हैं, वहाँ से निकले ही नहीं है। सैन मार्टिन यहाँ पे पापा रंजी TNT के स्क्वाड ने बढ़िया कैंपिंग चल रहा है यहाँ पे। बम्बल भी के द्वारा यहाँ पे आराम से लेट के बैठे हैं। TNT मामबा एक अलग ही पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, तो हाइट का हाइट से देखना चाहेंगे। लेट्स सी जोन कहाँ की तरफ कटता है, और जोन कट चुका है सैन मार्टिन की तरफ। अब आना पड़ेगा LE वालों को, MU वालों को, कंकाई वालों को। खतरा सस सिंगे 4 mm यहाँ पे कॉम पैराडॉक्स पंक ह्यूमनॉइड वाले जोन में आराम से। जोजिला काफ़ी करीब है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइट हो सकता है शायद। ब्लेड वाले तो आराम सेंटर ऑफ द जोन पकड़ के बैठे हैं, बहुत बढ़िया जगह पे यहाँ पे ब्लेड का स्क्वाड। पीली का स्क्वाड भी आराम से जोन में है, तो यहाँ पे सिंगे का फाइट हो सकता है विद खतरा।
एक और स्क्वाड था यार एलीट वाले, जब भी मैं मीरा मार का गेम देखता था एलीट वालों की मुझे याद आती है, वो लोग बहुत बढ़िया खेलते हैं यार। ये मीरा मार का गेम जो रोटेशंस मारते हैं वो लोग, अलग ही लेवल रोटेशंस होते हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पे फाइट होता हो सकता है रेसर वालों का, बिल्कुल सामने यहाँ पे BGR वालों के बिल्कुल सामने यहाँ पे TNT का स्क्वाड, TNT चंगेज के बिल्कुल नीचे है, TNT चंगेज को स्पॉट कर चुके हैं, एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, पूरा स्क्वाड फिनिश हो सकता है यहाँ पे। TNT चंगेज अगर स्प्रे कर दे तो और नहीं निकल चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जंगली सब TN वाले आराम से जोन में आ गए, रेसर जाने नॉक कर दिया है यहाँ पे, रेसर वन का फाइट हो चुका है विद TNT, यहाँ पे रेसर जा खुद नॉक हो गए बाय TNT मामबा, रेसर जी अकेले बचते हुए यहाँ पे। तो लेट्स सी पावर रंजीत वर्सेस रेसर जा, पापा रंजीत AKM के साथ रश कर रहे, शायद MRX मामबा वाले भी आहिस्ते शायद आ रहे हैं यहाँ पे, तो TNT मामबा आहिस्ते आहिस्ते क्लोजिंग करना चाहेंगे यहाँ पे। रेसर जाके बढ़िया नेट बाय पापा रंजीत, लेकिन पीछे आए आगे बाउंस होके वहाँ पे बम्बल भी TNT चंगेज को नॉक रिवाइव दे देंगे। ह्यूमनाइट को हो चुका है फाइट विद एलिस, तो रेसर जी यहाँ से लेफ्ट से टाइम मार चुके हैं मामबा, देख लेंगे शायद रेसर जी को, यहाँ से बम्बल भी स्पॉट कर सकते हैं यहाँ पे रेसर वन को, रेसर वाले का ह्यूमनाइट आर्मी ने एलिस विलन को किया है नॉक वे, तो ह्यूमनाइट और एलिस का फाइट हो चुका है और शायद एलिस का स्क्वाड फिनिश ऑन 90th पोजीशन बाय ह्यूमनाइट। मामबा एक छोटा सा जगह लेके TNT चंगेज पे फिर से शॉट्स आया यहाँ पर रेसर वालों का, तो ये फाइट कैंपिंग पे ही हो रहा है लग रहा है मुझे फिलहाल। लेट्स गो टू सम अदर फाइट, और कहीं फाइट हो रहा है क्या यहाँ पे, खतरा वालों का फाइट हो सकता है विद कंकाई, यस खतरा वाले काफी क्लोज है यहाँ पे कंकाई वालों के, फायदा है यहाँ पे खतरा वालों को क्योंकि खतरा वालों के पास है जोन, खतरा स्प्रे गोड वाले स्पॉट कर चुके हैं तो इनको मुश्किल ही आने देंगे। खतरा ड्रूम फिनिश हो चुके हैं, खतरा कुफू ऐश अखे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पैराडॉक्स का स्क्वाड है इनके, तो यहाँ पे निकल चुके हैं जोन में, फाइट कहीं और हो रहा है अब, वेयर इज फाइट गोइंग ऑन, एली वालों के साथ फाइट हो सकता है यहाँ पे, एली एस आर का स्क्वाड हो सकता है विद पैराडॉक्स का स्क्वाड, LESR वालों ने अप हिल होल्ड करके बैठा हुआ है, इनको आवाज़ आ चुका होगा यहाँ पे पैराडॉक्स के स्क्वाड का आने का, यस यहाँ पे ओल्ड मैन देख चुके हैं और ब्लास्ट करके दो बंदे फिनिश कर चुके हैं, NG पैराडॉक्स को पे शॉट आएंगे लेकिन बच जाएंगे NG पैराडॉक्स, यहाँ पे इनविंसिबल अख्तर पे काफ़ी शॉट दिया जाएगा, टंका इमाम को नॉक किया वहाँ पे एनी के रियाज में, इनविंसिबल अख्तर बग्गी लेके निकल तो रहे हैं लेकिन यस इनविंसिबल अख्तर निकल चुके हैं जोन में, अब आ चुके हैं ऑल चैट पर कोई बंदा जो मर चुका है यहाँ पे, तो LE वर्सेस हो रहा है यहाँ पे कंकाल, LEJR वर्सेस कंकाई वाले काफी स्पीड हो के कंकाई एमजी यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे, राइट साइड से यहाँ पे दो जिला का स्क्वाड आ चुका है आप इधर पीछे से है टीम नंबर 9 पंक लीड्स अकेले यहाँ पे जोन में आ रहे हैं, SRTN जी स्टार को देख लेंगे यहाँ पे कंका के मान, और बढ़िया रिफ्लेक्स देके नॉक कर दिया है बैकफायर करके, मुजामिल रश कर रहे हैं यहाँ पे कंका अमजी के बिल्कुल सामने SRTN जी स्टार, SRTN जी स्टार को बढ़िया मूवमेंट्स बाय SRTN जी स्टार, और यहाँ पे कंकाई का स्क्वाड फिनिश होते हुए दिख रहा है शायद मुझे, यस इसी के साथ कंकाई का स्क्वाड फिनिश ऑन 18th पोजीशन, तो यहाँ पे खतरा वाले पीछे से देख रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं सिंगे का स्क्वाड, तो खतरा वर्सेस सिंगे हो सकते हैं, पिछली बार बहुत बढ़िया खेला था सिंगे वालों ने, सिंगे वाले शॉट्स ले रहे हैं यहाँ पे, इन पे शॉट मार रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4mm आ रहे हैं यहाँ पे खतरा वालों के साथ फाइट लेने के लिए, काफ़ी करीब आ चुका है 4mm वर्सेस खतरा हो सकता है यहाँ पे, 4mm को मुर्तजा ने स्क्वाड किया है यहाँ पे, ऐश को
ऐश प्रोन हो चुके हैं और पहुंच गए जोन में। खतरा कुफू के बिल्कुल सामने है यहाँ पे, राइट साइड पे यहाँ पे सिंगे का स्क्वाड, लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं इसका नाम, 4 mm का स्क्वाड ऐश के बिल्कुल सामने है। 4 mm वाले कंप्यूटर अक्सर बैठे हैं यहाँ पे, बिल्ला ओपी बढ़िया स्प्रे देते हुए ऐश एक एम के आयरन से शॉट्स ले रहे थे। 4 mm लाइक उनको नॉक कर दिया, बिल्ला ओपी भी नॉक पड़े यहाँ पे। 4 mm मुर्तजा और शोगुन अकेले बचते हुए फिनिश कर दिए 4 mm लाइक उनको यहाँ पे खतरा स्प्रे गॉड ने। एच सी 4 mm मुर्तजा हील अप करेंगे, हील पॉप अप करेंगे, ऐश रिवाइव रश कर रहे हैं यहाँ पे। 4 mm मुर्तजा यहाँ पे ऐश सपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट रश कर रहे हैं यहाँ पे, स्मोक करेंगे, बिल्ला ओपी भी फिनिश हो जाएंगे यहाँ पे। एमयू का स्क्वाड भी आ चुका है। इंटेंस होते हुए आप गेम आहिस्ते आहिस्ते जैसे जोन श्रिंक हो रहा है। TNT चंगेज को फिर से नॉक कर दिया रेसर जी ने, और वहाँ पे TNT वालों ने रेसर जी ने TNT चंगेज को फिनिश कर दिया, और इसी के साथ रेसर का स्क्वाड भी फिनिश। वहाँ पे सिंजे का फाइट हो चुका है शायद, नहीं कहाँ फाइट हो रहा है, वेयर इज दिस, एली वन का फाइट हो चुका है यहाँ पे, आई डोंट नो किसके साथ हो चुका है। TNT वाले नॉक और फिनिश हो चुके हैं यहाँ पे। खतरा वर्सेज यहाँ पे अभी भी हो रहे हैं 4 mm का फाइट, तो दे वॉन्ट टू गो इन द जोन, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो इन द जोन। एली जेयर वाले यहाँ शॉर्ट्स ले रहे हैं, एली खबीब ने पैराडॉक्स को नॉक कर दिया, फिनिश भी कर दिया, तो यहाँ से खतरा वाले को शायद ये लोग जोन में आने नहीं देंगे। पीछे से खतरा वाले जोन में आ रहे हैं, इनको पता है पीछे से स्क्वाड्स आ रहे हैं। मुजम्मिल का स्क्वाड यहाँ से जोन के पीछे ही वापस क्यों जा रहे हैं लोग। TNT मामा जोन से फिनिश हो चुके हैं, तो पता ही नहीं चला। 12 स्क्वाड 11 टीम बचे हैं यहाँ पे। एली शमीम मुजम्मिल खतरा वालों को देखते हुए यहाँ पे, खतरा वाले अभी भी इनका ध्यान ही नहीं है पीछे की तरफ, इनका फाइट हो रहा है 4 mm वालों के साथ, तो यहाँ पे शॉट्स दे रहे हैं एली वाले। एली रियाज वाले 4 mm वालों का किल लेते हुए, इसी के साथ 4 mm का स्क्वाड भी ख़त्म होते हुए यहाँ पे जोन से फिनिश नॉक हो गए। खतरा के कुफू मुनीर को नॉक किया यहाँ पे लोलो ने, अली जुल्फी ने इम्स को नॉक कर दिया है, तो खतरा वाले तो जोन में आ जाएंगे। यहाँ पे सिंगे वालों का फाइट हो चुका है शायद, यस 3 नंबर 8 के साथ जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। एली ओल्ड मैन यहाँ पे शॉट दे रहे हैं, एली वाले भी लेफ्ट में है, सिंगे वर्सेस एली हो सकता है यहाँ पे। हमें फिर से हेमनाइट वाले बढ़िया जगह पे है, यहाँ पे इम्स का स्क्वाड का फाइट हो रहा है विद जोजिला, इम्स नॉक पड़े हैं यहाँ पे। अली जुल्फी जंगली एसआरटीएन अकेले बचते हुए यहाँ पे, BGR के स्क्वाड का हेमनाइट के डिट्टो यहाँ पे, मुनीर नॉक हो गए थे लेकिन मुनीर रिवाइव हो चुके हैं यहाँ पे, फाइट हो रहा है। हसन भी के यहाँ पे रश कर रहे हैं, एम्स को फिनिश कर देंगे। जंगली एसआरटीएन अकेले बचे हैं, जंगली एसआरटीएन के बिल्कुल सामने आ रहे हैं यहाँ पे। कौन है, करगिल वॉरियर। तो देखा जाए तो एली वालों के साथ ही फाइट हो रहा है यहाँ पे। ATR वर्सेस ब्लेड हो सकता है, नाउ स्क्वाड ही बचे यहाँ पे। गोजिला वालों का फाइट हो रहा है विथ ह्यूमनाइड, LOC गाजी अपने भाई बढ़िया जगह पर कट के बैठे हैं, पोजीशन होल्ड करेंगे, सेंटर में बैठे हैं यहाँ पे LOC गाजी। तो जब तक कोई स्पॉट नहीं करे ये लोग, ये तो आराम से top 3 निकाल लेंगे यहाँ पे। जहाँ ब्लेड मालूम ने ATR वन का स्पॉट कर लिया है यहाँ पे, ATR वाहिद को, ATR फयाज आ रहे हैं आउट ऑफ जोन, राल्फ शायद शॉट दे रहे हैं यहाँ पे। ATR फयाज को नॉक कर दिया राल्फ ने, किल लेना चाहेंगे। ATR नॉक प्ले जोन से फिर नॉक हो चुके हैं। ATR वाहिद अकेले बचे हैं यहाँ पे जोन में, बिल्कुल एच पे है, ATR वाहिद के बिल्कुल सामने है। ब्लेड जिन और ब्लेड माहिदीन एक नेड और ये दोनों नॉक हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमनाइड वाले शॉट दे रहे हैं ब्लेड पे, यस ह्यूमनाइड के आरिफ देख चुके हैं यहाँ पे ब्लेड को, राफ को। और देखा जाए तो अभी यहाँ पे फाइट हो रहा है, अली जुल्फी ने ऐश को नॉक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे अली SR वाले जोन के बाहर कह रहे हैं, आउट ऑफ जोन ही बैठे हैं यहाँ पे। खतरा के कुफू बचे हैं और स्प्रे गॉड अकेले बचे हैं यहाँ पे, और कौन है यार जोन किसको पीट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ये लास्ट वाले में तो यूनाइट वाले ही जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आतंक मचा रहे हैं इतने गोलियों का।
लो मान राल्फ को देख लेंगे, कार 98 का शॉट दे सकते थे, लेकिन चौक गए यूनाइट के आरिफ। एटीआर वाइज आराम से जोन में बैठ जाएंगे, एली वाले शॉट दे रहे हैं खतरा वालों पर, खतरा के स्पेकआउट को नॉक कर दिया यहाँ पे एली ओल्ड मैन ने। खतरा कोफू क्या रिवाइज देंगे कि सीधे जोन में निकलेंगे, 22 सेकंड बचे इनके पास, जोन में निकलेंगे शायद एलिस मानला जोन की तरफ निकलेंगे। एलिस मानला के बिल्कुल बगल में है यहाँ पे ब्लेड का स्कॉट लेफ्ट में है और राइट में है यहाँ पे एलिस। एली वाले कंप्लीट आउट जोन में एकदम ही छे लोग, अरे एटीआर वाहिद यहाँ पे एली जेआर के कंप्लीट स्कॉट को खा सकते हैं। एलिस मल्ला एली वन का ब्लेड वन के साथ फाइट हो सकता है, ब्लेड वाले ऐसे ऐसे जोन में आएंगे। अब ह्यूमनॉइड वालों के पास काफ़ी फायदा यहाँ पे कंपार्टमेंट पे, पिछली बार जैसे सिंगे वालों के पास कंपार्टमेंट था जोन प्लस कंपार्टमेंट, जहाँ पे राफ वालों को लोरो ने नॉक किया रॉक को, इसी के साथ ब्लेड का स्कॉट फिनिश बाय ह्यूमनॉइड बहुत ही बढ़िया खेले। अब हो सकता है यहाँ पे एली वर्सेस हो सकता है यहाँ पे खतरा, खतरा कुफू प्रे देते हुए जोन निकल चुका है एली खबीब, बचना मुश्किल है यहाँ पे। ईटीआर वाहिद यहाँ पे ले सकते हैं एली के काफ़ी बंदों को, ईटीआर वाहिद का पता ही नहीं किसी को लोकेशन, तो शायद ईटीआर वाहिद अभी तो लोकेशन देना नहीं चाहेंगे। एली मल्ला बचे हुए यहाँ पे, एली मल्ला नॉक पड़े हैं तो एलिस मानो को फिनिश कर देंगे ह्यूमनॉइड के मान। ओल्ड मैन को देख चुके हैं यहाँ पे ह्यूमनॉइड के मान, 10 किल के साथ ह्यूमनॉइड क्या खेल रहा है भाई, ये लोग तो अलग ही लेवल गेम प्ले दिखा रहा है यहाँ पे ह्यूमनॉइड वाले। एली एसआर वर्स एली एसआर वर्स जेआर हो चुका है, एसआरटीएन जी स्टार ने यहाँ पे नॉक कर दिया एली एसआर को, और यहाँ पे जोजिला वाले यहाँ से लेफ्ट से दे रहे हैं इनको थर्ड पार्टी। अली जुल्फिकार आ चुका है यहाँ पे, एली शमीम और यहाँ पे फाइट हो सकता है एसआरटीएन जी स्टार का, मुनीर को नॉक किया डिटो ने, देख लेंगे यहाँ पे अली जुल्फिकार बढ़िया स्प्रे यहाँ पे करगिल वॉरियर कवर देते हुए नेट करेंगे यहाँ पे एली शमीम पे, ये नेट पूरा ख़त्म हो सकता है पूरा स्क्वाड इनका, नहीं बढ़िया नेट किया था यहाँ पे करगिल वॉरियर ने, मुनीर नॉक पड़े यहाँ पे, ह्यूमन नाइट का स्क्वाड बचा, ईटीआर का स्क्वाड बचा, जोजिला का स्क्वाड बचा, एली एस आर का स्क्वाड बचा। ह्यूमनॉइड का मान यहाँ से रोटेट मारते हुए ह्यूमनॉइड वाले भाई खेल रहे हैं, एस आर टी जी स्टार ने इसी के साथ जोजिला के बंदू को नॉक किया है, करगिल वॉरियर अकेले बचते हुए, करगिल वॉरियर भी नॉक हो गए। अब हसन भी के, हसन भी के यहाँ पे मुनीर को रिवाइव दे देंगे, अब यहाँ से अब बचते हैं चार स्क्वाड, एली जे आर ह्यूमनॉइड ई टी आर बढ़िया जगह पकड़ के बैठे हैं यहाँ पे। ई टी आर वाहिद किसी को नहीं पता है यहाँ पे ई टी आर वाहिद का लोकेशन बढ़िया, अभी भी शायद जोन में ही है ईटीआर वाहिद, ईटीआर वाहिद पे अब आ चुका है नेट शायद, यस ईटीआर वाहिद स्पॉट कर चुके हैं डिट्टो को आई गेस। और इसी के साथ ईटीआर वाले भी खत्म, ह्यूमनॉइड वाले अलग ही लेवल खेल रहे हैं इस बार, और नाउ इज गोइंग टू बी जोजिला वर्सेस ह्यूमनॉइड, एली जेआर का भी स्क्वाड फिनिश, जोजिला का स्क्वाड यहां पे क्या ही फेल रहे हैं 8 किल के साथ, और इनके सामने यहाँ पे ह्यूमनॉइड का स्क्वाड विद 11 किल्स, तो या तो ये लोग 13 किल के साथ चिकन डिनर लेंगे या वो लोग 12 किल के साथ लेंगे चिकन डिनर, एफसी 3v2 ओके 11 किल के साथ चिकन डिनर ले सकते हैं, तो लेट्स सी क्या ही होता है यहाँ पे। नेड़ों की तो बरसात हो ही रही है, स्मोक्स बनाए गए हैं इनके पास, अच्छा खासा रीच है उनके पास भी, अच्छा खासा रीच है, थोड़ा हाइट एडवांटेज हो सकता है यहाँ पे जोजिला वालों को, लेकिन बढ़िया ओ भाई नेडुंग की तो अलग ही बरसात हो रही है यहाँ पे बाय ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड आरिफ काफ़ी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पे मुनीर के, और मुनीर का फुटप्रिंट यहाँ पे देख चुका होगा ह्यूमनॉइड से आरिफ, ह्यूमनॉइड आरिफ को स्पॉट कर लेंगे यहाँ पे, क्या हो गया भाई हसन जी के अकेले बचे यहाँ पे। इसी के साथ ह्यूमनॉइड वालों ने चिकन डिनर ले लिया भाई, क्या ही खेले 13 किल के साथ, तो ह्यूमनॉइड का चिकन डिनर विद 13 किल सेकंड पे आते हैं, जोजिला का स्क्वाड विद 8 किल्स थर्ड पे आते हैं, एली जे आर का स्क्वाड विद 8 किल्स फोर्थ पे, ईटीआर विद 10 किल्स फिफ्थ पे, एलई एस आर का स्क्वाड विद कितने किल्स, एली एस आर का स्क्वाड आता है विथ कितना भाई 2-4-8 किल के साथ, फिर सिक्स पे आता है खतरा का स्क्वाड विथ 5 किल्स,
सेवंथ पे ब्लेड का स्क्वाड विथ टू किल्स। तो एट्थ पे आते हैं यहाँ पे कॉम का स्क्वाड विथ जीरो। नाइन्थ पे आते हैं यहाँ पे वी जी आर विथ फाइव नाइन किल्स। टेंथ पे आते हैं सिंगे का स्क्वाड विथ टू किल्स। एलेवंथ पे आते हैं फोर एम एम का स्क्वाड विथ वन किल। ट्वेल्थ पे आते हैं एम यू जील का स्क्वाड विथ वन किल। थर्टीन पे टी एन टी का स्क्वाड विथ वन किल। फोर्टीन पे रेसर का स्क्वाड विथ टू किल्स। फिफ्टीन पे आते हैं पीली का स्क्वाड विथ जीरो किल। सिक्सटीन पे आते हैं यहाँ पे पैराडॉक्स का स्क्वाड विथ थ्री किल्स। सेवनटीन पे आते हैं यहाँ पे रेडिकल टेरर विथ जीरो किल्स। एटीन पे आते हैं कंकाई विथ जीरो किल्स। नाइनटीन पे एलिस विथ जीरो किल्स। चलो नेक्स्ट कौन है, ट्वेंटीएथ पे आते हैं एविल विथ जीरो विथ वन किल सॉरी। ट्वेंटी फर्स्ट पे आते हैं यहाँ पे आर डी बी विथ जीरो किल्स। ट्वेंटी सेकेंड पे आते हैं यहाँ पे बल्ले बल्ले विथ जीरो किल्स। तो चले ये होता है अपना सेकंड मैच। अब नेक्स्ट मैच होगा अपना वीकेंडी। स्टे ट्यून्ड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट इफ यू लाइक इट।